और अब बात यहां पर करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी अब सतह पर नजर आने लगी है। डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रभारी हैं, उनके बनने के बाद माना जा रहा था कि संगठन अब एकजुट होगा, मजबूत होगा, आने वाले चुनावों के लिए वो मजबूती दिखाई देगी। लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने की भी बात यहां पर कही गई थी, लेकिन रविवार को रायपुर में अजय चंद्राकर के जो तेवर दिखे हैं उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश बीजेपी में अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में दिग्गजों में खींचतान जारी है क्या, क्या डी पुरंदेश्वरी भी गुटबाजी खत्म नहीं कर पा रही है, कहीं खींचतान की वजह से डी पुरंदेश्वरी नाराज तो नहीं, और बीजेपी की गुटबाजी सत्ता पक्ष की राह आसान कर रही है, नए और पुराने नेतृत्व के पेच में क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी फंसी हुई है, और क्या 2018 में मिली हार से बीजेपी ने अभी तक सबक नहीं सीखा है। ये सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन स्थिति समझ लीजिए पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी की। 2018 में छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर होने वाली बीजेपी पर लगातार गुटबाजी के आरोप लगते आ रहे थे, लेकिन रविवार को रायपुर में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में जो हुआ उसे देखने के बाद अब ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में चल रही बैठक के दौरान गुस्से भरे लहजे में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को ठीक कर देने की हिदायत दे डाली। आगे बीजेपी में जारी खींचतान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने चंद्राकर वाले मामले में क्या कहा ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर विरोध है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृ पुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, सारे कार्यकर्ता सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तलखी भी इस बात का सबूत है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कोई सब कुछ ठीक नहीं है, जब सत्ता में थे तब भी रमन सिंह बृजमोहन अग्रवाल के संबंध क्या थे, प्रेम प्रकाश पांडे और रमन सिंह जी के रिश्ते क्या थे, नंद कुमार साय नंदीराम कंवर जी और इनके संबंध क्या थे, वो तो सब जग जाहिर है। अब वो सब सत्ता पे आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी में जब तक इन नेताओं को हटा के कोई नया नेतृत्व नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुटकी ली तो उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अजय भाई ने किस विषय पे क्या बात कही ये चिंता रविंद चौबे जी को ज्यादा होने लग गई। उनकी पार्टी में स्वयं झाकले भैया, केंद्र में 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल का नेता ना बनाने की स्थिति में आ गई। पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता अपनी पार्टी अपने विचारों पर विश्वास करके भविष्य में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो गलतियां कर रही है उन गलतियों को उजागर करके जनता का विश्वास जीत करके पुनः छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। बहरहाल सियासी बयानबाजी से अलग बात करें छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की, तो डी पुरंदेश्वरी के प्रभारी बनने के बाद माना जा रहा था कि वो प्रदेश संगठन को एकजुट रखने में कामयाब रहेंगी। शुरुआती दौर में वो सक्रिय दिखी भी और बीजेपी के भी कई नेता एक मंच पर साथ नजर आए, लेकिन धीरे धीरे मानो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। और इसका उदाहरण तब सामने दिखा जब वो किसानों को लेकर 22 जनवरी को हुई बीजेपी के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन से नदारद रही। उधर रमन सिंह को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाकर केंद्र में लाने की कोशिशें भी रंग लाती नहीं दिखी, क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ के सीएम रहने वाले रमन सिंह अभी भी छत्तीसगढ़ में अंगद की तरह जमे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी में सांगठनिक स्तर से लेकर मोर्चा स्तर तक कई नियुक्तियां गुटबाजी के कारण अटकी हुई हैं। हालांकि इस मामले पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस भी गुटबाजी से अछूती नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो या निगम मंडलों में नियुक्ति की बात हो अक्सर लिस्ट दिल्ली से ही फाइनल होती रही है। 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, क्या उन्हीं के खिलाफ खीज अब धीरे धीरे सार्वजनिक होते जा रही है?
ये मामला इसलिए भी लगातार तूल पकड़ रहा है कि अजय चंद्राकर का जिस प्रकार से बयान आया ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ फिलहाल तो फील गुड नहीं चल रहा है। बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन रोशन वैद्य के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो स्थिति आपने समझ ली है और ये सवाल क्यों उठने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी एक नहीं है और अभी भी गुटबाजी है, तो वो आप समझ गए होंगे। चलिए मेहमानों से रूबरू कराते हैं, फिर इन सवालों के जवाब भी जानेंगे। चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और नितिन भंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ स्टेट पर। चर्चा शुरू करूं, सवाल पूछूं, उससे पहले एक बात याद आती है मेरे को और ये बताया गया था छोटे में कि एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी को एक इंसान बड़ी आसानी से तोड़ देता है, फिर दो लकड़ियां होती हैं, दो को भी वो आसानी से तोड़ देता है, तीन को भी तोड़ देता है, लेकिन पूरा लकड़ियों का जब एक पुलिंदा सामने आ जाता है 8-10 लकड़ियाँ, फिर उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, टूट नहीं पाती हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। उमेश घोरमोड़े जी, क्या इसका बीजेपी से कोई वास्ता अभी की स्थिति में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आपने कहा कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल होता है, निश्चित तौर पे 15 वर्षों में कांग्रेस की सांसें फूल गई थी और आज भी जिस प्रकार से एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इनके कमीशनखोरी का और इनकी वादा खिलाफियों को लेकर के जो जनता के बीच में उजागर करने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस की सांसें फूलने लगी है और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार के विषयों लेकर के विशेष रूप से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को टारगेट कर करके कांग्रेस के मित्र इस प्रकार के राजनीतिक प्रोपोगंडा और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घर पर एक बात का जवाब दीजिए, पहले अपने गिरेबान में झांक लें तो बेहतर। घोरमोड़े जी एक बात का जवाब दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि सांसें कांग्रेस की फूल रही हैं, सांसें कांग्रेस की फूल रही हैं, लेकिन अस्थमा वाले पंप की जरूरत तो इस वक्त बीजेपी को दिख रही है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र इस विषय को या अन्य विषय को लेकर के जिस प्रकार के हाफ रहे हैं और जिस प्रकार से गाहे बगाहे केवल बीजेपी के नेताओं के ऊपर आक्षेप लगाना, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना, यही कृत्य लगातार करते जा रहे हैं, तो मुझको लगता है एक सवाल और पूछूंगा, देखिए आप ट्रैक पे नहीं आ रहे, सांस की जरूरत है यह स्पष्ट हो जाता है। देखिए मैं सुनिए ना, अब सुनिए ना उमेश जी, मैं ट्रेन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए भाई जी। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हाँफ रहे हैं, कांग्रेस के लोग हाँफ रहे हैं, जो चंद्राकर जी गुस्सा हुए थे तो क्या ये कांग्रेस के कहने पर गुस्सा हुए थे? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, जिस प्रकार से अभी मैं आपके माध्यम से वह वीडियो क्लिप भी देख रहा था, पहली बात तो वह वीडियो क्लिप अधूरा है और मैं समझता हूं कि वह वीडियो क्लिप अगर पूरा आ गया होता तो कांग्रेस के पास इस विषय में कहने के लिए और हाँपने के लिए कुछ बचता नहीं और शायद इस विषय पर डिबेट भी नहीं हो रहा होता। यदि वह वीडियो क्लिप पूरा दिखाया गया होता तो निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय नेता अजय चंद्राकर जी और सवन्नी जी के बीच में जो उसके बाद जो हास्य प्रयास के साथ एक सौहार्दपूर्ण में जिस प्रकार से बातचीत हुई, मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। अच्छा। तो यह स्थिति आज मीडिया के ऊपर निर्मित नहीं होती। आप लोगों ने क्यों नहीं वीडियो जारी कर दिया? देखिए देखिए, कैमरे तो वहां पर चलते रहते हैं, अब इतने बड़े बड़े नेता जब जहां पर मौजूद होते हैं, इतने बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं तो कैमरे तो चलते रहते हैं ना। जब इतने सारे सवाल उठ रहे थे कल से, तो आप लोग आगे का वीडियो जारी कर देते, जैसा कि आप बता रहे बाद में हंसे मिले गले भी लगाया होगा अगर आप कह रहे हैं तो वो जारी कर देते, क्या दिक्कत हो जाती? निश्चित तौर पे और जिस प्रकार का वातावरण रहा, कम से कम कांग्रेस की तरह स्थिति तो निर्मित। अरे सुन ली निजना साहब, इतनी देर से आप ही को मौका दे रहा हूँ, बंसाली जी के पास आऊंगा। स्थितियां निर्मित हुई, विधायक का कॉलर तक पकड़ने की स्थितियां निर्मित हुई,
विधायक का पुतला तक जलाया गया राजिम के अंदर में। इनके ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के किस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के अंदर में निर्मित हुई। और अभी मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, तलखियों की वो बात कर रहे थे, तो इस प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो तलखियां हैं और किस प्रकार से बैठकों में दूरी से लेकर के तमाम स्थितियां ढाई साल के जो पूरे प्रदेश के अंदर में है। भंसाली जी का रुख कर देता हूं मैं, है ना गोरमड़े साहब, गोरमड़े साहब शुरुआती मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट मैंने आपको दे दिए हैं, है ना। अब बंसाली जी का थोड़ा सा रुक कर लेता हूं, नहीं तो फिर बाद में भट्ट साहब भी बोलेंगे कि देखिए आ नहीं रहे हैं, तो भट्ट साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं जरा बंसाली जी से और मैं बात कर लेता हूं। बंसाली जी, सांसें फूल गई थी कांग्रेस की जब रमन सरकार काम कर रही थी, उसके बाद में क्या स्थिति हुई ये भी देखा आप जो यहां पर बोला गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सांसें किसकी फूली है, ये कल अजय चंद्र हकर जी का जो कि वीडियो सार्वजनिक हुआ है उससे सब चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं कि सांसें किसकी फूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक यहाँ पर बीजेपी ने शासन किया, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और 15 सालों के शासन के बाद ये 15 सीटों में सिमट कर रह गए। बहुत ही इनके लिए काफ़ी दुख की और आत्मचिंतन का विषय था और पार्टी ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कल का जो बयान है अजय चंद्राकर जी का कि सवर्णी जी को जो उन्होंने कहा कि ज्यादा होशियारी मत करो, चमचागिरी वहां दिखाना यहां नहीं दिखाना, मेरे से बिहेव ठीक करना वरना ठीक कर दूंगा। हाँ। अब ये बोलते ही ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये अभी बोल रहे थे कि उसके बाद बड़ा हास परिहास का दौर चला, वो वीडियो नहीं दिखाया। अरे भाई वीडियो नहीं दिखाया, आज भी मुझे पता है कि कई चैनल वालों ने उनके इस विषय में, इस वीडियो के विषय में उनसे बात करना चाहिए, बाइट लेना चाहिए, दोनों तैयार नहीं हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अंतर्कलह से जूझ रही है और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में अभी भी डॉक्टर रमन सिंह जी ही चला रहे हैं। वो जिसको चाहते हैं उसको पद मिलता है, वो जिसको चाहते हैं उसको महत्व मिलता है। पूर्व मंत्री की हैसियत से चंद्राकर जी का सही था कहना कि उनको बुलाया नहीं गया और थोड़ी देर पहले उनको ये जानकारी दी गई, तो किस प्रकार का सब चल रहा है ये बात छुपी नहीं है। चलिए ये अच्छा है, बंसाली जी थोड़ा आगे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। ये अच्छा है, गोरमोड़े जी की तरह डिरेल करने की कोशिश नहीं की, इस मुद्दे को आगे लेगा। जरा चैतन्य भट्ट जी का एक एक्सपर्ट कमेंट मैं जरा ले लूं, फिर मैं उसके बाद गोरमोड़े जी का जवाब जरूर लूंगा। चैतन्य भट्ट जी, शुरुआत में मैं खुद देख रहा था कि जब डी पुरंदेश्वरी जी को प्रभारी बनाया गया तो बहुत एक्टिव बीजेपी नजर आ रही थी, बहुत बैठकें हो रही थी, घेराव की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब कुछ दिनों से डी पुरंदेश्वरी जी भी कहीं पर दिख नहीं रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। ये कहा जा रहा था कि पुरंदेश्वरी जी बदलाव चाहती हैं संगठन में, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को मौका देना चाहती हैं, लेकिन संगठन में दिग्गज नेताओं के जो लोग हैं वो भरे पड़े हैं और अगर बदलाव होगा तो दिग्गजों के करीबी भी यहाँ पर हट जाएंगे, लेकिन सीनियर नेता बदलाव नहीं चाहते। अब सीनियर नेता कौन, जिनका कद बहुत बड़ा है, जो इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भट्ट साहब थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाए छत्तीसगढ़ की जनता को भी और बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके लिए भी। देखिए ये बात तो सही है कि रमन सिंह बहुत वरिष्ठ नेता है और आज भी उनका वर्चस्व वहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। कई बार ये होता है जब किसी बड़े नेता का बहुत लंबे समय तक वर्चस्व रहता है तो उससे नीचे जो नेता रहते हैं वो कहीं ना कहीं छटपटाते हैं। ये बात अलग है कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है लेकिन वो अभी भी छत्तीसगढ़ में ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक अजय चंद्राकर जी की बात है तो निश्चित तौर पर अजय चंद्राकर जी पूर्व मंत्री रहे और अगर भूपेंद्र सिंह ने या पार्टी की कोई बैठक हो रही थी तो उसमें निश्चित तौर पे उनको आमंत्रण देना था, जो उनको आमंत्रण नहीं मिला ऐसा उनका आरोप है। और जब वो उनको जब जानकारी मिली तो वो वहाँ गए, उसके बाद वहाँ बैठक व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, किसको कहाँ बिठाया जा रहा था ये भी तय नहीं हो पा रहा था, उसको लेके उनको बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी में जो अंदर की छटपटाहट है उसका मजा कांग्रेस लेती है। कई वर्षों तक रमन सिंह का राज रहा है, कांग्रेस उस समय भी कोशिश करती थी कि हम सत्ता में आ जाएं, उसको बहुत इसका प्रतिफल भी मिला कि वो लंबे समय बाद सत्ता में आई। लेकिन बीजेपी में अंदर अंदर कहीं ना कहीं तो एक खटपटाहट है
कि जो आपने जैसा बताया कि वहाँ पे जो मोर्चे के नियुक्त पदाधिकारी उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही, जिसकी जो परनरी देवी जी जो थी वो चाहती थी कि हम जमीनी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर स्थापित करें, लेकिन अधिकतर ये होता है हर प्रदेश में, उसमें छत्तीसगढ़ भी कोई अलग नहीं है, कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो इस तरह के चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी जो लॉबी रहती है वो उनको प्रमुख पदों पर बैठाना चाहते हैं। तो ये मतलब अपनी लॉबी होनी चाहिए, सरकार बने ना बने, पार्टी मजबूत हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, खुद मजबूत रहे बस। हाँ वही बात है। तो रमन सिंह का जो काम करने का तरीका है वो मुझे लगता है कि अधिनायकवाद जैसा है, कि वो किसी को अपने सामने एक वो बरगद की तरह हो गए हैं और उनके नीचे जितने पेड़ पौधे हैं वो वहां से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेके भी कई बार बहुत सी चीजें होती हैं, जो दूसरे नेता हैं, जो ऊर्जावान नेता है, वो भी चाहते हैं कि हमको अच्छा पद मिले या हम भी प्रमुखता से स्थापित हों पार्टी में, लेकिन वो हो नहीं पाता। और यही कारण, चलिए ठीक है, अब देखिए बहुत गहराई में आप चले गए हैं। तो उमेश गोरमोड़े जी, भाई ऐसा बरगद का पेड़ किस काम का जो किसी को अपनी छाया से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, और आप इतने साल रहे, उसके बाद देखा ना जनता ने क्या हालत कर दी, तो क्यों नहीं बदलाव कर रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते हैं कि जो बदलाव की जरूरत है वो हो जाने दें। देखिए, संगठन की अपनी एक प्रक्रिया होती है और संगठनात्मक दृष्टिकोण से यह आज का विषय नहीं है, बीते 15-20 वर्षों में भी संगठन में लगातार चेहरे बदलते रहे हैं और संगठन की कमान लगातार अलग अलग चेहरों को मिलती रही है। अब आप कहेंगे मैं फिर कांग्रेस पे चला जाऊं, यहां कांग्रेस की तरह नहीं होता कि अभी कौन अध्यक्ष है यह पूरे देश को पता है, और आने वाले 20 साल बाद किस परिवार से अध्यक्ष होगा, केवल गांधी परिवार से पूरे देश को पता है, पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। क्या महाराज क्या कर रहे हैं आप, मेरे को ये बताइए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए मैं पायलट हूँ, मैं ट्रेन को आगे ले जाऊंगा, आप डीरेल मत कीजिए। आप कहाँ गांधी परिवार पे जा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए ना कि पुरंदेश्वरी जी जो एक्टिव नजर आ रही थी, अब वो एक्टिव मोड में नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सोते जागते उठते गांधी परिवार ही नजर आता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, और अभी 3 दिन पहले ही इस प्रदेश की आदरणीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक के माध्यम से चर्चा की, और आने वाले समय के तमाम कार्यक्रम और संगठन। अच्छा, तभी वो जो राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें डी पुरंदेश्वरी जी अचानक गायब हो गई थी, वो दौरा अचानक से रद्द करना पड़ा था उन्हें, ऐसा क्यों हुआ था जी? वो आंदोलन में क्यों नहीं है? देखिए, अचानक से गायब करने वाला विषय नहीं है, उसमें हमारे सह प्रभारी जी आदरणीय नितिन नवीन जी आए थे, और मीटिंग का हवाला, देखिए निश्चित तौर पर रद्द वाला विषय नहीं है, मीटिंग थी दिल्ली के अंदर में, और भी कार्यक्रम रहते हैं और संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम रहते हैं, उसमें हमारे सह प्रभारी जी तो आए थे, नितिन नवीन जी हमारे आए थे। अब मैं यहाँ पर सवाल करूं कि अभी नितिन भंसाली जी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर और कोई क्यों नहीं आया हुआ, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि हमने आप दोनों को इनवाइट किया है और किसी को नहीं किया, इसीलिए नहीं आए, आंदोलन वो आ जाते, सरकार को कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर कोई व्यक्ति नहीं। भाई मेरे को एक चीज बता दीजिए, क्या रमन सिंह का कद इतना बड़ा हो गया है कि बाकी कोई और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर वो आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें अगर हम केंद्र में बुलाते हैं तो वो केंद्र में नहीं जा रहे, वो छत्तीसगढ़ में ही टिकना चाहते हैं, तो उन्हीं की छाव में बढ़ेंगे क्या बाकी सब? बस ये बता दीजिए, वक्त कम है। देखिए रमन सिंह जी हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे नेता हैं, और उनके कद से कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीड़ा है, उसके कद से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को पीड़ा है, और उनके कद को कांग्रेस के मित्र और वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर वो आपके नेता हैं और कांग्रेस के लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ना? अब अगर कांग्रेस में राहुल गांधी हो तो वो उनके नेता नहीं है ना? देखिए ये थोड़ा सा ना वो होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है, मैं उसी पर रहूंगा। उनके नेता नहीं है, उनके 23
लेकिन मेरे पास एक मिनट बचा है, अब मैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से इस बार मैं पूछूंगा। एक चीज और मेरे को भंसाली जी बता दीजिए, भंसाली जी, अगर भंसाली जी मित्र उनको नेता माने, मोरे साहब प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज, है ना, भंसाली जी कांग्रेस के मित्र उनको नेता माने, अच्छा ठीक है, ठीक है, गोरमोड़े साहब एक मिनट, अच्छा नहीं, अच्छा मैं, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, भंसाली जी, भंसाली जी थोड़ा शॉर्ट में मेरे को एक चीज बताइएगा, अरे सुनिए तो भंसाली जी थोड़ा सा शॉर्ट में मेरे को बताइएगा, ये तो ढाई ढाई साल वाली बात चल रही थी, बीजेपी की बात तो ठीक है सबके सामने चर्चा कर ली, लेकिन ये कांग्रेस का क्या है? आज साहू साहब बोल रहे थे कि बाबा की बात बाबा जाने, तो मतलब ऐसा कुछ है क्या? बता दीजिए जरा, जनता जानना चाहती है। भाई क्लियर कर चुके हैं, प्रदेश के प्रभारी भी क्लियर कर चुके हैं, वरिष्ठ नेता भी क्लियर कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये जो एक बार सामने आके बयान दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन हमेशा ट्विस्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जो कहे सब सही, हमेशा ट्विस्ट कर दिया जाता है। सामने आकर बयान देखिए, अगर सामने आकर भी बयान दे चुके हैं आपके टीवी चैनल में भी, क्यों कहा है आला कमान तय करेगा, ऐसी कोई बात आला कमान तय करेगा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। कितना अच्छा लगता है देखिए, अरे आला कमान तय, तो छत्तीसगढ़ की जनता ये देख ले, छत्तीसगढ़ की जनता ये देख ले, जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाए तो कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सब ठीक है, बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कोई बात नहीं है सब ठीक है, लेकिन बात जरूर होती है और वो बात आपको समझनी होगी। चलिए बात, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।